हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एजुकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों नो हार्दिक स्वागत छे। आज आप मित्रों धोरण सात विषय हिंदी जेनू सेमेस्टर टूनी एटले के वार्षिक परीक्षा अथवा तो द्वितीय सत्रांत परीक्षा जे दरेक जिल्ला प्रमाणे संकुल प्रमाणे लेवानी छे, तो एनु आपणे 80 गुणनुं पेपर छे जेनुं आपणे संपूर्ण अने सचोट सोल्यूशन जोईशुं जेथी तमारे 75 थी वधु गुण प्राप्त थाय। तो वीडियो ने छेले सुधी जोशो तो तमने ख्याल आवी जशे के केवा केवा प्रश्नों पूछाशे। बीजी वस्तु मित्रों, चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करजो जेथी करीने 12 धोरण सुधी आपणी चेनल माथी तमने जरूरी वीडियो मळता रहे। प्रथम परीक्षा, द्वितीय परीक्षा एटले के वार्षिक परीक्षा तेमज एकम कसोटी आ बधाना वीडियो तमने मळता रहेशे, तेमज एज्युकेशन ने लगता पण वीडियो मळता रहेशे। तो लईए प्रश्न एक। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो साचो विकल्प पसंद करवानो छे। तो पहलू छे, जीवन में उन्नति करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। बीजू, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कप्तान। त्रीजू, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? जगत। मनुष्य किसकी शान है? तो मनुष्य धरती की शान है। शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? तो भवानी का। त्यार पछी रिक्त स्थानों खाली जगह पूरिए। वह आधुनिक युग का भीम है। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। हवे घना बधा विद्यार्थी मित्रों एम पण के छे, सर अमारे धोरण जे आ सात छे बराबर, तो सात नू परीक्षा शुरू थई गई छे, तो प्लीज सर तमे मने एना वार्षिक पेपर ना प्लीज सोल्यूशन आपो। तो खास मित्रों, दरेक विषयना त्रण त्रण पेपर आपणे तैयार करेला छे, एटले कुल 20 થી પણ વધુ પ્રશ્નપત્રો તૈયાર કરેલા છે અને એ પણ સોલ્યુશન સાથે, જે લગભગ બજારમાં ક્યાંય મળતા નથી। તો ધોરણ 6-9ના આવા 20-20 પેપરો છે અને 11માંના પણ 25 કરતાં પણ વધુ પેપરો છે। તો મિત્રો, આની PDF તમારે જોતી હોય પેપરો પ્લસ સોલ્યુશનની બરાબર, તો એ તમને એપ્લિકેશનમાંથી મળશે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, અથવા गूगल प्ले स्टोर ज्यांथी गेम डाउनलोड थाय त्यां जईने वेद डिजिटल एज्युकेशन एवुं लखशो, एप्लिकेशन डाउनलोड करशो, इंस्टॉल करशो, पछी तमे स्टैंडर्ड तमारा धोरण जे काई होय 9-11 अथवा तो स्टोरमां न्यां जशो, तो त्यांथी तमारा धोरण प्रमाणे तमने मित्रो PDF मळी जशे बराबर। एटले खास तमारा मित्रो, दोस्तो, भाई बहेन वगैरेने जाण करजो। बीजू, तमने कोई पण विषयमां डाउट छे तो एना विडियो चेनलना प्लेलिस्टमां कि शाळा मित्र नामनी गुजराती एप्लिकेशन छे एमा वेद डिजिटल में तमने वीडियो मळी जशे। गणित छे, गुजराती छे, विज्ञान छे, सामाजिक विज्ञान छे, जेमा तमे शिक्षक ने लाइव पण जोई शकशो अने तमारी 8मा धोरणनी तैयारी तमे वेकेशन में पण करी शकशो बराबर। एटले अहींथी तमारे जवानुं छे, एटले खास तमारा मित्रों दोस्तों ने, कोई जरूरियातमंद व्यक्ति ने, शाळाना मित्रों ने, शेरीना मित्रों ने जाण करजो, कारण कि आपणी चेनलमां धोरण 3-12 सुधीना मोटा भागना विषयना वीडियो मुकाई गया छे ने मुकवानुं काम पण हजी शरू छे। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखे। छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से, तो आ त्रणमांथी शुं आवशे? मित्रों, बहुत दूर था, कूदने वाला था, बिल्कुल बेखबर था, तो तमने खबर पड़ी ज गई छे हवे शुं जवाब आवशे। सिंगापुर में आप सिगरेट नहीं पी सकते, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नहीं पी सकते, सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते, तो आपने एकदम इजी छे। मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु अपना अपमान सह नहीं कर सकता, छल कपट सहन नहीं कर सकता, पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। एक एक वाक्य में लिखिए। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, मां गृध कश्य श्विद्रनम। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? तो सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है, और हमारी तो भी है ही। मालवजी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था? तो मालवजी धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था।
शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। એટલે ખાસ મિત્રો આવી રીતે બધા જ વિષયના વિડીયો પેપરોના તમને પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે। સ્ટાન્ડર્ડ 7 વાર્ષિક પરીક્ષા 2023 નામનું પ્લેલિસ્ટ છે, એમાંથી તમને હિન્દી ગુજરાતી ગણિત બધા વિષયના વિડીયો મળશે। એટલે ખાસ આપણી ચેનલ તમને હર હંમેશ ઉપયોગી થશે, એટલા માટે લાઇક કરજો વિડીયોને, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ચોક્કસ કરજો। અને આ PDF તમારે જોતી હોય તો મેં વાત કરી એમ એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે। चलो दो तीन वाक्य में प्रश्न लिखिए, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो मित्रों वीडियो मोटो बनी जाए आप खाली सवालों की याद ले लीजिए। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? त्रीजू अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? त्रिजु कवि ने किसे धरती की शान कहा है? महाकाल कहाँ छिपा है? प्रश्न 3, सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखे। अपने पांव चलकर मैं, मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि, फिर से दो तीन वाक्य में, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? त्यार पछी व्याकरण मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबरी करना, मुकाबला करना, हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कंठ में सरस्वती का निवास होना, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना, लड़की इतनी होशियार है कि जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। गला फाड़ना, जोर जोर से बोलना, एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। विरोधाथी शब्द, आकाश धरती उजियाला अंधियारा, पाप पुण्य ऊंचा नीचा। कहावतों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जान बची तो लाखों पाए, नुकसान भले ही हुआ हो जान तो बच पाई। एक अनार 100 बीमार, वस्तु थोड़ी और मांग अधिक। निम्नलिखित वाणिज्योपयोगी शब्दों के गुजराती शब्द लिखिए। अंश तो शेर, खटबड़ तो वधघट। प्रश्न 4 છે, निम्नलिखित वाक्यों का विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए। नाव में ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई, तो ज्यादा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मुझे कोई किताब दे दीजिए, तो सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर लिखिए। मैं सफाई खुदाई है, तो सफाई में खुदाई है। लेना और दहेज पाप, देना है दहेज, लेना और देना पाप है। त्यार पछी मित्रों निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो अहीं तमने सरस मजानी एक मुद्दा आप्या छे, एना परथी तमारे वार्ता लखवानी छे अने बोध पण लखवानो छे। तो लालची कुत्ता, सच है लालच का फल बुरा होता है, बोध यानी कि सीख। पत्र पूछे, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए या अपने भाई को परीक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बराबर आवी रीते प्रश्न पत्र पूछे। त्यार पछी निबंध, दहेज एक दूषण। पेड़ हमारे मित्र, मेरे प्रिय शिक्षक या मेरा देश भारत। तो आ रीते निबंध पूछाशे। त्यार पछी निम्नलिखित परिच्छेद का अनुवाद कीजिए, एटले के पेरेग्राफनो तमारे गुजराती अनुवाद करवानू छे। तो खास मित्रों तमारे बधा विषयना वीडियो जोवा होय तो प्लेलिस्टमां मैं कीधुं एम स्टैंडर्ड 7 में जतुं रहेवानुं, धोरण प्रमाणेना छे ज प्लेलिस्ट। PDF જોતી હોય તો એપ્લિકેશનમાં, એટલે ખાસ લાઇક કરી દો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, બરાબર। અને તમારો મિત્રો જેવું રિઝલ્ટ આવે આ નંબર ઉપર તમે અમને મેસેજ કરજો, બરાબર। એટલે તમારા મેસેજમાં આપણું રિઝલ્ટ સરસ મજાનું હશે, સ્ટેટસની અંદર મૂકીશું અને બધાને 80માંથી 80 ગુણ પ્રાપ્ત થાય એવી શુભકામના। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।